खबर इंदौर से है, जहां 3 अगस्त को जोबट वन परिक्षेत्र के अंतर्गत गांव पहाड़वा के किसान 45 वर्षीय सुमारिया कनेश को तेंदुए ने बुरी तरह घायल कर उसकी गर्दन को दबोच लिया था। उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी, लेकिन वन विभाग ने तेंदुओं को पकड़ने में सक्रियता नहीं दिखाई। इसके चलते तेंदुए ने 23 अगस्त को उदयगढ़ विकास खंड के ग्राम छोटी झिरी में, जब थान सिंह अपने परिवार के साथ घर में सोया था, अचानक तेंदुआ सीमेंट के पतरे की छत को तोड़कर अंदर घुसा और थान सिंह पत्नी और एक 15 दिन के बधों पर हमला कर दिया। शोर सुनकर जब गाँव वाले आए तो तेंदुआ वहां से भाग गया। ग्रामवासी तीनों को जोबट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए। घायल दंपति को जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। वहीं बच्चे की जोबट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही मौत हो गई थी। क्षेत्र में दहशत के चलते शाम ढलने के बाद ग्रामीण घर से निकलने से बच रहे थे। अब ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। राला मंडल की टीम को रेस्क्यू के लिए बुलाया गया। गाँव छोटी झिरी के पास वन परिक्षेत्र के पानगोला बीट के कक्ष क्रमांक 54 के जंगल में अलग अलग दो जगह पिंजरे लगाए गए। बुधवार रात दोनों तेंदुए पिंजरों में कैद हो गए। वन विभाग के अनुसार पकड़े गए तेंदुए में से एक की उम्र 1 से 1.5 वर्ष एवं दूसरे की 5 से 6 वर्ष बताई है। एक नर तथा दूसरा मादा है। इन्हें काछला बीट के कक्ष क्रमांक 499 वन परिक्षेत्र कट्ठीवाड़ा के जंगल में छोड़ दिया गया है। इतना बड़ा वहाँ पकड़ा था, कुएं कूद गया था। शांत बैठ जा, हाँ बैठ जा, समझ गया। शांत वो लपकेगा, समझा, बहुत दोगला वो।